मुझे नहीं मालूम कि आखिर मैंने क्यों नफरत से भरे इन अपराधों को अंजाम दिया। ये शब्द थे उस सीरियल किलर के जिसने मौत और हैवानियत का ऐसा खेल खेला कि 7 मासूमों को अपनी जान देनी पड़ी। ये वारदात है साइप्रस की, जहां पुलिस ने 35 साल के निकोस मेटाक्स को उसकी हैवानियत के लिए गिरफ्तार किया था। 24 जून 2019 को अदालत ने अपहरण और 7 हत्याओं के जुर्म में निकोस को दोषी करार दिया। अदालत में रोते हुए निकोस ने पीड़ित परिवार वालों के लिए अफसोस जाहिर किया था। साइप्रस के सीरियल किलर पर चलाए गए ट्रायल ने लोगों को हैरान कर दिया था। साइप्रस में इस तरह सीरियल किलिंग का यह पहला मामला था। आपको बता दें कि गुनाह कबूलने के बाद निकोस मेटाक्स ने अदालत में ये भी कहा था कि मैंने खुद से भी पूछा है कि मैंने क्यों ऐसा किया, इसका जवाब क्या मैं कभी तलाश पाऊंगा। अपनी इस हैवानियत के लिए साइप्रस के सीरियल किलर को 7 बार 25 साल जेल यानी 7 उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसका मतलब ये है कि ये ताउम्र जेल में रहेगा। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक साल 2016 से 2018 के बीच हुई सारी हत्याएं करने का तरीका लगभग एक जैसा था। ये हैवान सेक्स करने के बाद महिलाओं का गला दबाकर मौत के घाट उतार देता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन हत्याओं के सिलसिले को रोक पाने में नाकाम रहने पर देश के पुलिस प्रमुख को उनके पद से हटा दिया गया था। गौरतलब है कि ये मामला सबसे पहले अप्रैल में उस वक्त सामने आया था जब 2 महिलाओं की डेड बॉडी वहां बरामद की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मेटाक्स को संदिग्ध के तौर पर हिरासत में लिया था। हालांकि शुरू में उसने इन सभी हत्याओं में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदला और इन सभी अपराधों को स्वीकार किया। 2 साल तक मौत और हैवानियत का खेल खेलने के बाद अब ये अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।